एसबीआई के लोन लेने वालों की इमरजेंसी लोन सुविधा शुरू की। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रभावित हो रहे व्यापारियों के मद्देनजर आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है, ताकि ग्राहक को नकदी की कमी को पूरा किया जा सके। एसबीआई ने शुक्रवार को लेटर जारी करके कहा कि कोरोना वायरस से आपातकालीन ऋण सुविधा के नाम पर अतिरिक्त नकदी सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 200 करोड़ रुपए तक की धनराशि मुहैया कराई जाएगी और ये सुविधा 31 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगी। इसके तहत 12 महीनों की अवधि के लिए 7.25% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। बैंक ने सभी शाखाओं को भेजे गए पत्र में कहा कि जिन आधार वाले कारोबार कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ है, उन्हें कुछ हद तक राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। योग्य कर्जदारों को के अतिरिक्त तरलता और ऋण सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सीईएल के मौजूदा संकट की स्थिति पर काबू पाने के लिए वो मदद करेंगे। बैंक ने कहा कि ऋण सुविधा उन सभी मानक खातों के लिए उपलब्ध है जिन्हें 16 मार्च 2020 तक एसएमए 1 या 2 रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, वे ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।